20 अक्टूबर 2023 नवरात्रि के छठे दिन कर लीजिएगा दो इलायची का ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, नवरात्रि जो होती है उसमें माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। इस बार 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज़्यादा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं, लेकिन इन नवरात्रियों में सबसे ज़्यादा फलदायी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि को बोला गया है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का जो छठा दिन होता है वो माता कात्यायनी जी को समर्पित होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता कात्यायनी जी वही देवी हैं जिनके सामने अगर कोई भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के दौरान थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो माता कात्यायनी जी उस व्यक्ति को अपना इस प्रकार से आशीर्वाद दे देती हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिलती मिलती है। अगर माता कात्यायनी जी किसी भी व्यक्ति पर प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद दे दें, उस व्यक्ति को अपने जीवन में इतना धन मिल जाता है जिसके बाद उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी पैसे की कमी नहीं होती है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के छठे दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होती है। दोस्तों, माता कात्यायनी जी की जो सबसे प्रिय चीज़ है वह है इलायची। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपने माता रानी जी के छठे स्वरूप माता कात्यायनी जी को इलायची अत्यंत प्रिय है। अगर उनकी पूजा में आप इलायची का प्रयोग करेंगे तो मान के चलिए आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और माता कात्यायनी जी का आपको आशीर्वाद तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको दो इलायची के उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने 20 अक्टूबर 2023 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट से तुरंत तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इलायची का उपाय करने के बाद माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से फिर आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, इलायची का जो प्रयोग होता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, मिठाइयों में, अन्य अन्य व्यंजनों में किया जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलायची जो होती है वो शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। और शुक्र ग्रह के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत है और वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचेगा। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और आपको बता दें, अगर आपने 20 अक्टूबर 2023 के दिन माता कात्यायनी जी के सामने इलायची के वह उपाय कर लिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से न केवल आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा बल्कि इलायची का उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस शारदीय नवरात्रि के दौरान या 20 अक्टूबर 2023 के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं वो आगे हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, आपके जीवन में मान लीजिए जो धन आता है वो आपके हाथ में टिकता नहीं है, निकल जाता है। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली आ रही है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यही है कि आपका शुक्र ग्रह हो गया है कमज़ोर, या आपके ऊपर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह साथ नहीं देता है उस व्यक्ति के जीवन में धन टिकता ही नहीं है। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसको उसकी परिश्रम का फल कभी भी नहीं मिलता है। लेकिन आप परेशान मत हो, एक प्राचीन काल के समय का हम आपको महा उपाय बता दे रहे हैं। यह अगर आपने नवरात्रि के छठे दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से वो दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आपके पास धन टिक नहीं रहा था और आपके जीवन में धन टिकेगा भी, रुकेगा भी और पूरी तरह से आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। बहुत आसान सा उपाय, आपको क्या करना है, नवरात्रि के छठे दिन मतलब 20 अक्टूबर 2023 के दिन आपको सूर्यास्त के वक्त नहाना है, धोना है। सूर्यास्त जैसे हो जाए, नहाने धोने के बाद आपको लाल कपड़े पहन लेने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता कात्यायनी जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए, अपने हाथ में दो इलायची ले लीजिए, एक घी का दीपक ले लीजिए। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। चौकी नहीं लगाई गई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है जहाँ पर माता दुर्गा जी की जो भी कला चित्र है, मूर्ति है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। यहाँ पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको सबसे पहले यह करना है कि अपने हाथ में
में दो इलायची पकड़िए और अपने घी के दीपक को जला दीजिए। घी के दीपक को जलाने के बाद आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी नहीं आता है, तो आप लोग किसी भी पूजा घर से एक दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा, उससे आप लोग 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इतना आपने कर लिया, 2 इलायची में 1 इलायची ले जाइए अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए, और 1 इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, ऐसी जगह रख लीजिए जिसकी वजह से वो इलायची काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहे। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए। और इतना उपाय करने भर से मान लीजिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके ऐसे आपके जीवन में धन टिक नहीं रहता, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन रुकेगा भी टिकेगा भी, आपके जीवन से बेफिजुल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको फिर धन की कमी ना हो, तो एक प्राचीन काल के समय का हम आपको महा उपाय बता दे रहे हैं। ये उपाय जैसे ही आप करेंगे, न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये आपको सिर्फ 20 अक्टूबर 2023 के दिन 2-4 मिनट के समय निकाल करके उपाय करना है। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, 20 अक्टूबर 2023 के दिन सूर्यास्त के बाद नहाना है, आपको धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। अब आपके घर पर जो भी माता रानी जी की चौकी है वहाँ पर बैठ जाइए, चौकी नहीं है तो पूजा घर पर बैठ जाइए। यहाँ पर आपको एक घी का दीपक रखना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज़ें रख लीजिए, जैसे 3 लौंग 3 इलायची 3 कपूर। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, 3 लौंग 3 इलायची 3 कपूर। अब इस लाल कपड़े की आप बना लीजिए पोटली। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए, घी का दीपक जलाइए और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद इसी पोटली को ले जाइए अपनी अलमारी में, तिजोरी में, दक्षिण दिशा में रख दीजिए, जहाँ पर भी घर पर आप पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली माता कात्यायनी जी का वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी जिसके बाद आपके जीवन में ये चुंबक की तरह पैसे को खींचेगी। तो इस प्राचीन काल के समय का महा उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको क्या करना है, आपको 20 अक्टूबर 2023 के दिन ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिए, 11 रोटी पर आपको 1-1 इलायची रख देनी है और यही 11 रोटी आपको किसी भी गाय को खिला देना है। इतना भार आपको करना है। देखिए, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। और इतना उपाय आपने कर लिया जो आपको हमने बताया, सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा, माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग रूपों की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। और ये उपाय करने के बाद सदैव आपके जीवन भर आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। 20 अक्टूबर को ये उपाय आपको करना है और एक दिन का आपका उपाय आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको दिला सकता है। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, आपको 20 अक्टूबर की शाम को नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको बैठना है, एक घी का दीपक जलाइए, आपको एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, इस पर 2 लोटा चावल डालना है, 2 लोटे चावल के ऊपर आपको 2 इलायची डालनी है, इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लीजिए, बस इतना कीजिए। आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और आपको 21 अक्टूबर को सुबह के वक्त यही पोटली ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आपको आपके जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय माता।